नमस्कार दोस्तों, अनुपेश डिजोन में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के अंतर्गत हम लोग उत्तर प्रदेश का प्राचीन इतिहास पढ़ रहे हैं। इसके पहले दो वीडियो हम लोग बना चुके हैं, पढ़ चुके हैं, जिसमें पहला वीडियो था प्रागैतिहासिक काल से लेकर महाजनपद काल तक, और दूसरे वीडियो में हम लोग बौद्ध धर्म से संबंधित और जैन धर्म से संबंधित जो उत्तर प्रदेश से महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसके बारे में पढ़ा था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो एक बार ज़रूर देख लें। और आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मौर्य काल और मौर्योत्तर काल, जिनमें मौर्य वंश, शुंग वंश और हिंद यमवंश, शक वंश और कुषाण वंश के बारे में चर्चा की जाएगी। वीडियो शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें, और अगर पसंद आती है तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं टॉपिक पे। पहला जो हम लोग पढ़ेंगे वह है मौर्य वंश। मौर्य वंश की स्थापना सब लोगों को पता ही होगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। हुआ क्या था कि उस समय मगध साम्राज्य था। मगध साम्राज्य पर शासन किसका था? धननंद का। धननंद ने एक बार चाणक्य का अपमान कर दिया था। चाणक्य का ही अन्य नाम पूछता है प्रश्न में, चाणक्य का ही अन्य नाम है कौटिल्य, और इन्हीं का नाम है विष्णुगुप्त। ये नाम भी याद रखिएगा। धननंद ने इनका एक बार अपमान किया था, जिसके बाद इन्होंने कसम खाई थी कि धननंद की सत्ता को मैं उखाड़ दूंगा। और उसके बाद चंद्रगुप्त की सहायता से, चंद्रगुप्त को इन्होंने ट्रेनिंग दी, उसके बाद चंद्रगुप्त ने चाणक्य की सहायता से मगध साम्राज्य पर धननंद को हराकर मगध साम्राज्य पर अपना सत्ता स्थापित कर लिया, जिस उसके बाद उसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। चंद्रगुप्त का पुत्र था बिंदुसार, बिंदुसार का ही पुत्र था अशोक। हम लोग का यहाँ पे संदर्भ है उत्तर प्रदेश के बारे में है अध्ययन करना, इतिहास के में हम लोग अंदर ज़्यादा नहीं घुसेंगे। अशोक के जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं, शिलालेख प्राप्त हुए हैं उत्तर प्रदेश से, पहला हम लोग का टॉपिक है, यही अध्ययन करेंगे कि अशोक के कौन कौन से शिलालेख या अभिलेख या लघु शिलालेख उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। तो अशोक के जो है तीन प्रकार के मुख्यतः जो है लेख मिलते हैं। एक है सप्त स्तंभ लेख, दूसरा है लघु स्तंभ, और तीसरा है लघु शिलालेख। अशोक के कुल छः जगहों से सप्तस्तंभ लेख मिले हैं। अब यहाँ पे सप्तस्तंभ लेख से आप लोग मतलब मत निकालिएगा कि सात जगहों से मिले हैं इसलिए सप्तस्तंभ लेख या सात स्तंभ लेख नाम है उसका। सप्तस्तंभ लेख या सात स्तंभ लेख नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें जो राजाज्ञा यानी जो राजा की आज्ञा दी गई है, मैक्सिमम जो जहाँ से प्राप्त हुई है उसमें सात आदेश हैं, इसलिए इसका नाम जो है सप्त स्तंभ लेख रख दिया गया है। और ये छः जगहों से प्राप्त हुई हैं, जिनमें से तीन बिहार के चंपारण जिले से, लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा, तीन जगह जो हैं ये बिहार के चंपारण जिले में हैं, वहाँ से प्राप्त हुई हैं। बाकी जो तीन हैं वह उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी प्रयाग, दिल्ली टोपरा और दिल्ली मेरठ से, और इन्हीं के बारे में हमें अध्ययन करना है। कौशाम्बी प्रयाग की पहला जो है कौशाम्बी प्रयाग अभिलेख जो है पहले कौशाम्बी में स्थित था। इसे बाद में अकबर के द्वारा प्रयाग में के किले में लाकर स्थापित किया गया। तो पहला प्रश्न तो यही बनता है कि कौशाम्बी अभिलेख को किसके द्वारा प्रयाग के किले में स्थापित किया गया था? अकबर के द्वारा। इसके बारे में हम लोग आगे और अध्ययन करेंगे, गुप्त जब काल को पढ़ेंगे, क्योंकि इसी अभिलेख पर जो समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति है इसी अभिलेख पर उत्कीर्ण है, जो कि हरिषेण के द्वारा, हरिषेण जो है समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था, उसके द्वारा उत्कीर्ण करवाया गया था। तो वहाँ पे हम लोग इसके बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे कि इस पे और किसका किसका लेख उत्कीर्ण है। दूसरा जो है दिल्ली टोपरा सप्तस्तंभ लेख, तो जो है मध्यकालीन एक इतिहासकार था शम्स ए सिराज, इसके रचना से ज्ञात होता है कि यह अभिलेख जो था पहले टोपरा में था। टोपरा कहाँ पे है? सहारनपुर जिले में स्थित है। और इसे बाद में मध्यकालीन जो राज सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक, उसके द्वारा दिल्ली लाया गया था, और दिल्ली लाकर जो है कोटला के मैदान में इसको स्थापित किया गया था। इसको भीमसेन की लाट और फिरोज शाह का लाट इस आदि नामों से भी जाना जाता है। और यही एकमात्र, इसका सबसे महत्वपूर्ण तथ्य जो याद रखना है कि दिल्ली टोपरा ही एकमात्र ऐसा सप्तस्तंभ लेख है जिस पर अशोक के सातों लेख उत्कीर्ण है। प्रश्न पूछ लेगा कि अशोक के सातों लेख किस पर, किस अभिलेख पर उत्कीर्ण है, तो दिल्ली टोपरा, ठीक है, याद रखना है। और इसको पढ़ा गया था पहले किसके द्वारा? जेम्स प्रिंसेप
जेन प्रिंसेप ने ही इसको सबसे पहले पढ़ा था और इसके अंग्रेजी अनुवाद को प्रकाशित किया था। अगर पूछ लेता है कि अशोक के लेखों को पढ़ने का श्रेय किसे है, तो अशोक के लेखों को पढ़ने का श्रेय जेम्स प्रिंसेप को है। सबसे पहले इन्होंने पढ़ा था 1837 में, ठीक है। तो ये बात हुई दिल्ली टोपरा की। तीसरा है दिल्ली मेरठ। दिल्ली मेरठ अभिलेख पहले मेरठ में था, इसे भी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दिल्ली में लाया गया था। ये तो बात हो गई अशोक के सप्तस्तंभ लेखों की। अब कुछ जो है लघु स्तंभ लेख भी अशोक के प्राप्त हुए हैं उत्तर प्रदेश से, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है सारनाथ का अभिलेख। सारनाथ लघु स्तंभ लेख जो है, वह सारनाथ कहाँ पर है, वाराणसी में। इसमें अशोक ने अपने महामात्रों को संघ भेद रोकने का आदेश दिया है। ऐसा ही एक अभिलेख अशोक का जो है सांची से भी प्राप्त हुआ है। सांची कहाँ पे है, रायसेन जिला मध्य प्रदेश में। वहाँ पर भी एक जो अभिलेख प्राप्त हुआ है उसमें अशोक अपने महामात्रों को संघ भेद रोकने का आदेश देता है। लेकिन हमें उत्तर प्रदेश के बारे में देखना है, तो यहाँ पर सारनाथ याद रखिएगा। सारनाथ अभिलेख में, लघु स्तंभ लेख में, अशोक अपने महामात्रों को संघ भेद रोकने का आदेश देता है। प्रश्न पूछ लेगा कि अशोक अपने उत्तर प्रदेश से प्राप्त किस लेख में, स्तंभ लेख में अशोक महामात्रों को संघ भेद रोकने का आदेश देता है, तो सारनाथ। और इसका जो है एक महत्वपूर्ण जो फैक्ट और याद रखना है कि सारनाथ स्तंभ लेख पर ही जो सिंह की आकृति बनी है, उसे ही भारत सरकार द्वारा अपना राजकीय चिन्ह बनाया गया है। तो भारत का जो राजकीय चिन्ह है वह कहाँ से लिया गया है, अशोक के सारनाथ स्तंभ लेख से, ठीक है। और एक जो स्तंभ लेख है कौशाम्बी स्तंभ लेख। कौशाम्बी स्तंभ लेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। कौशाम्बी स्तंभ लेख या प्रयाग जो स्तंभ लेख है, दोनों को रानी का अभिलेख कहा जाता है। उसका मेन वजह है कि एक रानी करुआ की थी, रानी करुआ की। रानी करुआ की किसकी रानी थी, अशोक की। तो रानी करुआकी के दान दिए जाने का उल्लेख इन अभिलेखों पर प्राप्त होता है, इसीलिए इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। और अशोक का एक लघु शिलालेख प्राप्त हुआ है अहरौरा से। अहरौरा कहाँ है, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में। तो ये तो हुए अशोक के लेख। अब अन्य जो उत्तर प्रदेश से संबंधित, मौर्य काल से संबंध के समय का उत्तर प्रदेश संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसके बारे में देखते हैं। सारनाथ का स्तंभ हम लोगों ने देखा, अशोक के द्वारा स्थापित किया गया था। इसे महात्मा बुद्ध के धर्मचक्र प्रवर्तन की स्मृति में अशोक के द्वारा स्थापित कराया गया था। अशोक काल में जो पाषाण जो बनी है, पाषाण कलाकृतियाँ या लेख जो निर्माण हुआ है, उनका जो है मुख्यतया इनका निर्माण चुनार के बलुए पत्थर से किया गया है। ये याद रखिएगा, कब पूछ लेगा कि जो अशोक काल की जो पाषाण कलाकृतियाँ हैं उनका निर्माण किस क्षेत्र के पत्थरों से किया गया है, तो चुनार का, याद रखिएगा। और जो है मौर्य काल की एक बड़ी देन है स्तूप। अशोक के समय से ही स्तूपों के निर्माण का जो है प्रारंभ माना जाता है। स्तूप मौर्य काल से ही बनने अधिक मात्रा में शुरू हुए थे। स्तूप का अर्थ क्या होता है, ढेर, ठीक है। और स्तूप को चैत्य भी कहा जाता है, क्योंकि यह चीता के स्थान पर बनाया जाता है, इसलिए स्तूप को चैत्य भी कहा गया है। यह जो है मौर्य काल की ही देन है, इसको पहले तो ये याद रखिएगा। और इसका जो है सबसे सुंदर उदाहरण सांची का स्तूप, जो कि मध्य प्रदेश में है, वहाँ देखने को मिलता है। लेकिन हम उत्तर प्रदेश के बारे में बात करें तो धर्मराजी का स्तूप जो है, यह अशोक के समय में ही इसका निर्माण कराया गया था। और यह कहाँ पर है, सारनाथ में। तो पहले तो याद रखिएगा, धर्मराजी का स्तूप कहाँ है, सारनाथ में। किसके समय में निर्माण कराया गया था इसका, अशोक के समय में इसका निर्माण कराया गया था। अब इसके अलावा मौर्य युग के कलाकार थे, उन्होंने लोक रुचियों के वस्तुओं का भी निर्माण किया, जैसे पशु पक्षियों की मूर्तियाँ, यक्ष यक्षिणी की मूर्तियाँ। ऐसी ही मूर्तियों में एक मथुरा का परखम ग्राम है, यहाँ पे परखम ग्राम, वहाँ से एक मूर्ति मिली है यक्ष की। उसको संज्ञा दी गई या उसको नाम दिया गया है मणिभद्र। यहाँ पे प्रश्न बनेगा कि मणिभद्र नामक यक्ष की मूर्ति कहाँ से प्राप्त की गई है, मथुरा के परखम ग्राम से, ठीक है। और किस काल की है, मौर्य काल की। इसके अलावा मथुरा के बरोदा ग्राम से भी यक्ष की मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। और एक और यक्ष की मूर्ति जिसको नाम याद रखना है, त्रिमुख यक्ष की प्रतिमा। त्रिमुख यक्ष की प्रतिमा प्राप्त हुई है राजघाट से। राजघाट कहाँ पर है, वाराणसी। प्रश्न बनेगा त्रिमुख यक्ष की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है, राजघाट की। और किस काल की है, मौर्य काल की। अब उसके बाद अशोक के समय सत्ता जो है मौर्य वंश का काफ़ी बड़ा हो गया था। उसके बाद से शासक जो हुए मौर्य वंश के, उनमें इतनी जो है क्षमता नहीं थी कि उसको संभाल पाते, या बोल सकते हैं निर्बल शासक हुए, जिसके कारण जो है सत्ता मौर्य वंश का धीरे धीरे छीण होता गया। मौर्य वंश का अंतिम जो सम्राट था वह बृहद्रथ था।
बृहदत्त का ही सेनापति था पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने ही बृहदत्त की हत्या कर दी और शुंग वंश की स्थापना की। पुष्यमित्र शुंग के समय ही पतंजलि, पतंजलि का आपने नाम सुना होगा, पतंजलि ने किसकी रचना की थी? महाभाष्य, यह भी याद रखिएगा। महाभाष्य के लेखक कौन है? पतंजलि। और महाभाष्य जो है वह अष्टाध्यायी पर आधारित रचना है। यह भी प्रश्न पूछता है कि अष्टाध्यायी पर आधारित रचना निम्नलिखित में से कौन सी है, तो अष्टाध्यायी पर आधारित रचना महाभाष्य है। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनी। यानी पाणिनी की अष्टाध्यायी पर आधारित लेखक रचना महाभाष्य है और महाभाष्य की रचना पतंजलि ने की थी। और पतंजलि किसके दरबार में रहते थे? पुष्यमित्र शुंग के, ये भी याद रखिएगा। पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। और इस महाभाष्य से पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेघ, दो अश्वमेघ यज्ञ किए थे और उसकी पुष्टि जो होती है अयोध्या से प्राप्त शिलालेख से भी होती है। अब यहाँ पे प्रश्न कैसे बनेगा कि पुष्यमित्र शुंग द्वारा अश्वमेघ यज्ञ किए जाने की पुष्टि कहाँ से प्राप्त अभिलेख से होती है? तो याद रखिएगा, अयोध्या से प्राप्त शिलालेख से होती है। और अयोध्या का जो शिलालेख है वह पुष्यमित्र शुंग का, जो अयोध्या का राज्यपाल धनदेव था, उसके द्वारा अयोध्या के शिलालेख का अयोध्या का शिलालेख उत्कीर्ण करवाया गया था, या अयोध्या के शिलालेख का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, शुंग काल की मुद्राएं कई स्थानों से प्राप्त होती हैं, जैसे कौशाम्बी, अयोध्या, अहिच्छत्र और मथुरा से शुंग काल की जो है मुद्राएं प्राप्त होती हैं। अब शुंग काल से पुष्यमित्र शुंग के समय का एक जो महत्वपूर्ण फैक्ट और याद रखना है कि आप लोग को पता है कि अशोक किसका अनुयायी था? बौद्ध धर्म का। अब उसने बौद्ध धर्म का काफ़ी प्रचार प्रसार करवाया था, जिसके बाद बौद्ध धर्म का जो है उत्थान होने लगा था और वैदिक धर्म कहीं ना कहीं, वैदिक धर्म जो था और वैदिक धर्म के आदर्श थे, वह कहीं ना कहीं पीछे छूटते चले गए थे। पुष्यमित्र शुंग जो है वह ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था और इसने वैदिक धर्म की जो प्रतिष्ठा थी पुनः स्थापित की। इसीलिए पुष्यमित्र शुंग के काल को वैदिक प्रतिक्रिया अथवा वैदिक पुनर्जागरण का काल भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, प्राचीन समय में वैदिक प्रतिक्रिया अथवा वैदिक पुनर्जागरण का काल किसके काल को कहा जाता है? पुष्यमित्र शुंग के काल को। और इसके समय की एक महत्वपूर्ण घटना और याद रखनी है कि इसी के समय में समाज में भागवत धर्म का उदय हुआ। भागवत धर्म का मतलब क्या है कि जो विष्णु और विष्णु के अवतारों से संबंधित जो धर्म है वह भागवत धर्म के अंतर्गत आता है। भागवत धर्म का पहली बार जो है उदय पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में ही शुरुआत की गई और वासुदेव विष्णु की उपासना प्रारंभ हुई। इसका जो है कई जगहों से प्रमाण मिलता है, जैसे उसी के समय मथुरा के समीप एक स्थल है मोरा, इस नाम को याद रखिएगा, मथुरा के पास में है या मथुरा में है, याद रखिएगा मोरा। और मोरा से जो है एक लेख प्राप्त होता है, वहाँ से एक तोस नामक जो कि विदेशी स्त्री थी, उसके द्वारा शंकरसर और वासुदेव, प्रद्युम्न, शाम तथा अनिरुद्ध की मूर्तियों की स्थापना की जो है सूचना मिलती है, जिससे पता चलता है कि इस समय तक भागवत धर्म उदय में आ चुका है। इसके अलावा एक यवन था हेलियोडोरस, यह एक यवन था, इसने मध्य प्रदेश का विदिशा, जो विदिशा है उसी के पास में है बेस नगर में वासुदेव को समर्पित गरुड़ स्तंभ को स्थापित करवाया था। इससे भी भागवत धर्म के जो है उत्थान के विषय में सूचना मिलती है। गरुड़ किसका है? विष्णु भगवान का जो है, गरुड़ को विष्णु भगवान का वाहन माना जाता है। ठीक है, अब देखिए, जब चंद्रगुप्त मौर्य राजा बना था, हमने अभी पीछे चर्चा की कि मगध पर साम्राज्य किसका था? मगध पर साम्राज्य था धननंद का। और उसी समय चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा और 326 ईसा पूर्व यानी उससे 4 साल पहले भारत पर आक्रमण किसका हुआ था? सिकंदर का। लेकिन वह पश्चिमोत्तर भारत पर ही आया था, उसके बाद वह वापस लौट गया। उसकी सेना ने जो है धननंद से युद्ध करने के लिए मना कर दिया। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हो गई। इसके बाद जहाँ तक इसने अधिकार किया था भारतीय क्षेत्र में, वहाँ का राजा कौन बना? सेल्यूकस। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने साम्राज्य विस्तार के समय सेल्यूकस से भी युद्ध किया और सेल्यूकस को पराजित किया। सेल्यूकस का ही जो है
राजदूत था मेगस्थनीज, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। यह भी याद रखिएगा, पूछता है मेगस्थनीज किसके दरबार में आया था, चंद्रगुप्त के मौर्य के दरबार में, और सेलुकस का ही राजदूत था। तो जब सेलुकस को चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया, तो उसके बाद आपस में जो है सेलुकस के साथ जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस के जो पुत्री थी उसके साथ वैवाहिक, कुछ लोग उसको विद्वान बहन मानते हैं, के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया, जिसके बाद सेलुकस वंशी राजाओं और जो मौर्य वंशी राजाओं थे उनके साथ जो है मैत्री संबंध स्थापित रहे। लेकिन जब चंद्रगुप्त मौर्य या मौर्य वंश की जो है सत्ता समाप्त हुई, उसके बाद से पश्चिमोत्तर भारत से पुनः आक्रमण होने लगे। तो पुष्यमित्र सुंग के अंतर्गत थोड़ी क्षमता थी, उसने तो रोका, लेकिन उसके बाद के राजाओं में इतनी क्षमता नहीं थी कि वह उस विदेशी आक्रमण को रोक सके। इस क्रम में जो विदेशी आक्रमण आए, पहले हिंद यवन आए, फिर शक आए, फिर पल्लव आए, पल्लवों के बाद सबसे लास्ट में जो है कुषाण आए, कुषाण के बाद फिर आगे मध्यकाल में फिर जो है मुस्लिम लोग आते हैं। लेकिन पहले हम लोग को प्राचीन में हिंद यवन, शक, पल्लव और कुषाण के बारे में देखना है, और उत्तर प्रदेश से संबंधित में यहाँ पे देखना है, ठीक है। पतंजलि के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था अभी पीछे, इनकी रचना है महाभाष्य। इससे पता चलता है कि जो हिंद यवन थे, सबसे पहले हिंद यवन ही आए, हिंद यवन बैक्ट्रिया, बल्ख बैक्ट्रिया जो है ईरान के बगल में राज्य था, ये लोग वहाँ से आए थे। और इसे पता चल मतलब इनके महाभाष्य से पता चलता है कि यवनों ने साकेत को घेर लिया था और गंगा घाटी तक बहुत आगे तक बढ़ाए थे, लेकिन ये मध्य देश में अपने आप को स्थिर नहीं रह सके। और इसका मेन वजह था कि मध्य देश का मतलब यहाँ उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र था, पहले मध्य देश कहलाता था, तो यहाँ पे वे आपस में ही लड़ गए। आपसी कलह के वजह से वे लोग यहाँ पे स्थिर नहीं रह सके। इनका जो मेन साम्राज्य था वह सिंध क्षेत्र पश्चिमोत्तर भारत में ही इनका मेन क्षेत्र बना रहा। और इनका जो सबसे प्रसिद्ध राजा हुआ वह मेनांडर। मेनांडर आपने मिलिंद पन्हो रचना सुनी होगी, मिलिंद पन्हो में बौद्ध भिक्षु नागसेन था, नागसेन और इसी राजा मेनांडर, इसी को जो है मिलिंद बोलते हैं, तो इसी से मिलिंद पन्हों कहा गया है। पन्हों का मतलब होता है प्रश्न, तो नागसेन और मेनांडर के प्रश्नों का जो है प्रश्न उत्तर का जो है नागसेन, मेनांडर प्रश्न करता है और नागसेन उसका जो उत्तर देते हैं उसी प्रश्न उत्तर का संकलन किया गया है इस मिलिंद पन्हों में। नागसेन की रचना है मिलिंद पन्हों, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो सबसे विख्यात राजा हिंद यवनों का मेनांडर हुआ। इसी के समय में जो हिंद यवनों की सत्ता है मथुरा तक विस्तृत थी, मथुरा उत्तर प्रदेश के मथुरा तक विस्तार मेनांडर के समय में हुआ। और इसका जो है प्रमाण जो मिलता है कि मेनांडर का ही पुत्र था स्टेटो प्रथम, मेनांडर और स्टेटो प्रथम दोनों के सिक्के मथुरा से प्राप्त होते हैं, तो ये भी याद रखिएगा, मथुरा से मेनांडर और स्टेटो प्रथम मेनांडर का पुत्र था, ये दोनों हिंद यवन शासक थे, इनके सिक्के प्राप्त होते हैं। इसके अलावा फिर कोई भी हिंद यवन शासक का जो है यहाँ पर शासक उत्तर प्रदेश क्षेत्र में नहीं रहा। इनका जो है उत्तर पश्चिम क्षेत्र में, पश्चिमोत्तर क्षेत्र में जो पाकिस्तान अफगानिस्तान इलाके हैं वहाँ पर इनका शासन रहा। भारत में सर्वप्रथम हिंद यूनानियों ने ही सोने के सिक्के जारी किए थे। अब आप लोगों में एक प्रश्न ये भी आता है कि भारत में जो है नियमित सोने के सिक्के कौन प्रचलित किया था, कुषाण। तो वहाँ कन्फ्यूज मत होइएगा, कुषाण जो है नियमित और शुद्धतम सोने के सिक्के भारत में जारी करने का जो है श्रेय कुषाणों को है। लेकिन सबसे पहले जो सोने के सिक्के, सोने का अंश कम ही था लेकिन कुछ ही मात्रा में, थोड़े ही मात्रा में सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय हिंद यूनानियों को ही जाता है। अब हिंद यूनानियों के बाद किस कौन आए, शक आए। शकों के बारे में हम लोग थोड़ा जानते हैं कैसे उन्होंने भारत में प्रवेश किया। आप लोग को ये मान लीजिए ईरान है, ठीक है, ईरान के बगल में यहाँ पे बल्ख या बैक्ट्रिया राज था, बल्ख। यहाँ पे ये अफगानिस्तान इलाका है, ये पाकिस्तान इलाका है और ये अपना भारत है, ठीक है। यहाँ पे चीन है, यहाँ पे चीन में किस वंश का शासक था, हान वंश का, और इसी के बगल में यूची जनजाति रहती थी। और यहाँ पे है सीर दरिया के उत्तर में, ऊपर में रहते थे शक लोग। शक एक खानाबदोश जनजाति, बर्बर जनजाति थी। चीनी ग्रंथों से पता चलता है कि ये जो यूची जनजाति थी इन्होंने शकों पर आक्रमण किया, शकों को आक्रमण किया, पराजित किया, जिसके बाद ये लोग सीर दरिया को डाक कर ये लोग बल्ख आए, बैक्ट्रिया, और इन्होंने
यौनों को पराजित करके बैक्टीरिया पर अधिकार कर लिया। लेकिन ये जो यूची जनजात थी ये बैक्टीरिया आई, बैक्टीरिया तक पीछा करते हुए इनकी आई और इनको फिर परास्त किया, जिसके बाद इन ये दो शाखा में विभाजित हो गए। एक पश्चिम में चली गई, दक्षिण में चली गई, कपिसा पर अधिकार कर लिया। दूसरी शाखा जिसको अभी हम जिसका अध्ययन नहीं करना है, दूसरी शाखा आई ईरान, ईरान पे यहाँ पे इन्होंने जो इधर का क्षेत्र है यहाँ पर अधिकार कर लिया। लेकिन यहाँ ईरान का एक राजा था मित्रदाद द्वितीय, इसका नाम नहीं याद करना है, प्रश्न नहीं आएगा, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में तो आएगा ही नहीं। इसने जो है इनको शकों को पुनः परास्त किया और ये लोग भाग कर आए यहाँ पे अफगानिस्तान के इलाके में। अफगानिस्तान का एक इलाका है हेलमंड घाटी, यहाँ पर आके बसे और इसको जहाँ पर ये बसे उसको सिस्तान या शकस्तान कहा गया, ठीक है। इसके बाद ये लोग बोलंदर्रा काबुल से होते हुए प्रवेश किए सिंध क्षेत्र में और सिंध क्षेत्र को इन्होंने अपना इलाका बनाया, इसीलिए इसको शक द्वीप कहा गया। और इसके बाद ये लोग भारत में प्रवेश किए। अब हम लोग भारत में प्रवेश करने के बाद भी इनकी कई शाखाएं हुई। अब हम लोग को कौन सी शाखा पढ़ना है जो उत्तर प्रदेश से संबंधित हो, तो उत्तर प्रदेश से संबंधित जो एक शाखा थी वह थी मथुरा शाखा। अब प्रश्न होता है कि मथुरा शाखा में इनका जो है स्थापना कैसे हुआ, मथुरा में इनकी सत्ता कैसे स्थापित हुई, तो इसके बारे में जो है इतिहासकार को जो है इसके बारे में ठीक ठीक से कोई ज्ञान नहीं है, इसके बारे में कोई जो है प्रमाण नहीं प्राप्त हो पाता कि इनकी सत्ता स्थापित कब और कैसे हुई, इसके बारे में पता नहीं चल पाता है। लेकिन एक ग्रंथ है कालकाचार्य कथानक, कालकाचार्य कथानक से पता चलता है कि पहले जो है इस के शासकों का जो है शासन मालवा, मालवा जो है गुजरात के उत्तर वाला क्षेत्र मालवा कहलाता है, वहाँ पर शासन था। उसी समय उज्जैन के इस एक स्थानीय शासक ने इनको परास्त किया, इनको हराया, जिसके बाद ये भागकर पहुँचे मथुरा और मथुरा में अपनी जो है सत्ता स्थापित की। और उज्जैन के इस स्थानीय शासक ने इनको हराने के यानी शकों को हराने के उपलक्ष्य में जो है उपाधि धारण की विक्रमादित्य, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और 58 ईस्वी में विक्रम संवत की स्थापना की। विक्रम संवत को जो है स्थापित करने वाला यही उज्जैन का एक स्थानीय शासक था जिसने विक्रम, अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा कि चंद अगर पूछ लेता है विक्रम संवत की स्थापना किसने की थी, ऑप्शन में विक्रमादित्य है और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य है, तो ज़्यादा लोग तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का ही नाम जानते हैं तो उसको कर देंगे, नहीं दोनों में अंतर है। विक्रमादित्य अलग था, यह उज्जैन का एक स्थानीय शासक था और यही से विक्रमादित्य यह पहला जो है जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। उसके बाद कई राजा जो हैं विक्रमादित्य का उपाधि धारण करने लगे। इतिहास में 14 ऐसे राजा हैं जिनको जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, जिसमें सबसे प्रसिद्ध जो है गुप्त वंश का शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य था, ठीक है। अब यहाँ पे इनकी शाखा स्थापित हुई मथुरा में, तो यहाँ से एक लेख मिलता है मथुरा सिंह शीर्ष स्तंभ लेख। इससे पता चलता है कि यहाँ पे जो पहला राजा बना था यानी शकों का पहला राजा जो मथुरा में था वह राजूल, राजूल या इसी का नाम राजूल भी मिलता है, चाहे राजूल आए चाहे राजूल, यही मथुरा में पहला शक शासक था। तो पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश में जो मथुरा शकों की मथुरा शाखा थी उसका पहला शासक कौन था, राजूल प्रथम, राजूल या राजूल, ठीक है। और इसके बाद राजूल का पुत्र हुआ सोडास, सोडास बना शासक मथुरा का। और ये जो राजूल है इसके सिक्के भी प्राप्त होते हैं मथुरा से, तो उन सिक्कों पर इसके लिए महाक्षत्रप, यहाँ पे यह भी याद रखिएगा महाक्षत्रप। पहला तो प्रश्न ऐसे बनता है कि क्षत्रप या महाक्षत्रप की उपाधि कौन लोग धारण करते थे, सक ऑप्शन में दिया शक पल्लव कुषाण हिंद यवन, तो याद रखिएगा क्षत्रप या महाक्षत्रप की उपाधि शक लोग शासक करते थे और राजूल के सिक्कों पर महाक्षत्रप की उपाधि मिलती है। और इसके जो सिक्के प्राप्त होते हैं वह सिंध के पूर्व यानी जो पूर्व जो पंजाब क्षेत्र है पूर्वी पंजाब क्षेत्र है वहाँ से लेकर मथुरा तक इसके सिक्के प्राप्त होते हैं, तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि इसका शासन जो था पंजाब से लेकर मथुरा तक स्थापित था। उसके बाद जो सोडास बना इसका पुत्र, सोडास के सिक्के या जो लेख प्राप्त होते हैं उस पर सिर्फ क्षत्रप की उपाधि मिलती है, लेकिन एक जो अभिलेख है अमोहिनी दानपत्र लेख, अमोहिनी दानपत्र लेख यह भी मथुरा से प्राप्त हुआ है, उसी पर सोडास के लिए महाक्षत्रप आया है, नहीं तो बाकी सब पे क्षत्रप मिलते हैं। तो ऐसा लगता है कि यह जो है एक छोटे क्षेत्र का
जो है राजा रहा होगा, और इसकी पुष्टि इससे भी होती है कि इसके जो सिक्के हैं पंजाब क्षेत्र से नहीं मिलते हैं, सिर्फ मथुरा से मिलते हैं। तो ऐसा पता चलता है कि सिर्फ यह मथुरा के इलाके तक ही इसका राज्य सीमित रह गया था। इसके बाद जो है किसी भी शक शासक का यहाँ पे उल्लेख नहीं मिलता है। एक सिक्का मिलता है, उस पर तोरणदास नाम, जो कि शक सरदार के रूप में लिखता, इसका नाम मिलता है और उस पर इसका नाम तोरणदास लिखा हुआ है, और वह अपने आप को महाक्षत्रप का पुत्र बताता है। सिर्फ एक ही सिक्का ऐसा प्राप्त हुआ है, बाकी कोई शक शासक का यहाँ से जो है लेख या सिक्का नहीं प्राप्त होता है। इसके बाद यहाँ पर जो है मथुरा पर शकों की सत्ता स्थापित हो जाती है। फिर हम लोगों ने देखा कि पहले आए थे हिंदवन, हिंदवन के बाद आए शक, शक के बाद आते हैं पल्लव। लेकिन पल्लव की जो सत्ता थी, हम लोगों ने यहाँ देखा कि मथुरा में भी जो है कुषाण वंश आ गए शकों के बाद, क्योंकि पल्लव की जो सत्ता थी जो वह सिंध क्षेत्र के पश्चिम में ही स्थापित थी, उनकी सत्ता इधर स्थापित नहीं हो पाई थी। तो उनके बारे में हमें अध्ययन यहाँ पर करना नहीं है, क्योंकि हम लोग उत्तर प्रदेश के संदर्भ में हम लोग देख रहे हैं। शकों के बाद जो है कुषाणों की सत्ता आती है। हम लोग ने पीछे देखा था यूची जनजाति जिन्होंने वहाँ पे शकों को परास्त किया था, इन्हीं के पांच कबीले थे, ये मुख्यतः पांच कबीले में थे। इन्हीं में से एक कबीला था सुआंग, और यही सुआंग लोग जब भारत में अपनी सत्ता स्थापित किए तो यही लोग कहलाए कुषाण। कुषाण वंश का जो प्रथम शासक भारत में था वह कुजुल कटफिसेस था, लेकिन कुजुल कटफिसेस की सत्ता जो है काबुल क्षेत्र तक ही सीमित थी। इसके बाद इसका पुत्र जो हुआ, कुजुल कटफिसेस का पुत्र हुआ भीम कटफिसेस। भीम कटफिसेस के समय में ही कुषाणों की सत्ता मथुरा में स्थापित हुई। इसके कुछ सिक्के मथुरा से तो प्राप्त होते ही है, कौशाम्बी से भी प्राप्त हुए हैं। इसके सिक्कों पर शिव, नंदी तथा त्रिशूल की आकृतियाँ प्राप्त होती हैं। ये याद रखिएगा, भीम कटफिसेस जो कि कुषाण वंश का शासक था, उसके सिक्कों पर शिव, नंदी और त्रिशूल की आकृतियाँ प्राप्त होती है। इससे ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि भीम कटफिसेस जो है शैव मतानुयायी था, इसने महेश्वर की भी उपाधि धारण की थी। तो पूछेगा प्रश्न, किस कुषाण शासक ने महेश्वर की उपाधि धारण की थी? तो भीम कटफिसेस ने, याद रखिएगा, ठीक है। अब कुषाण वंश का सबसे प्रतापी जो राजा हुआ वह कनिष्क। कनिष्क आप लोगों ने नाम ने सुना होगा, कनिष्क जो है कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध, सबसे विख्यात राजा हुआ। इसके समय में जो सत्ता थी कुषाणों की वह गंधार से लेकर पूरे वाराणसी क्षेत्र तक विस्तृत हो गई, ठीक है। और इसकी जो राजधानी थी, कुषाण वंश के शासक कनिष्क के समय जो राजधानी थी वह पुरुषपुर, पुरुषपुर वर्तमान में जो पाकिस्तान का पेशावर है उसका प्राचीन नाम पुरुषपुर था। और इसकी जो दूसरी राजधानी थी वह मथुरा थी, ये भी याद रखिएगा, पूछ लेगा कनिष्क की दूसरी राजधानी कौन थी, मथुरा थी, ठीक है। इसने जब कनिष्क राजा बना तो इसने एक नया संवत चलाया, उसका नाम है शक संवत, 78 ईस्वी में चलाया था, याद रखिएगा 78 ईस्वी में कनिष्क ने। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा कि शक संवत चलाया गया किसके द्वारा, कनिष्क। कनिष्क किस वंश का शासक था, कुषाण वंश का। तो ये मत सोचिएगा कि कनिष्क शक वंश का, पूछ लेगा कि कनिष्क किस वंश का शासक था जिसने शक संवत चलाया था, तो आप लोग शक भी मार सकते हैं, कुछ लोग जिनको नहीं पता होगा। तो याद रखिएगा शक संवत जो चलाया गया था कनिष्क के द्वारा, कनिष्क शासक किस वंश का शासक था, कुषाण वंश के द्वारा, ठीक है। जब यह गद्दी पर बैठा था उसी के अपने गद्दी के बैठने के उपलक्ष्य में इस संवत को चलाया था, और यही शक संवत जो है भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। तो ये भी याद रखिएगा, भारत सरकार द्वारा कौन सा संवत प्रयोग में लाया जाता है, ऑप्शन में देगा गुप्त संवत, विक्रम संवत, शक संवत। तो याद रखिएगा शक संवत ही भारत के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है, और इसको किसके द्वारा शुरू किया गया था, कनिष्क के द्वारा, ठीक है। उत्तर प्रदेश में जो है मथुरा, श्रावस्ती, कौशाम्बी और सारनाथ से कनिष्क के अभिलेख प्राप्त होते हैं। सारनाथ से जो अभिलेख प्राप्त होता है कनिष्क का, उसमें जो है कनिष्क के तीसरे वर्ष का उल्लेख उसमें किया गया है। मेन एक था बोधिसत्व, बोधिसत्व की मूर्ति प्राप्त हुई थी, तो बोधिसत्व जो है उस टूटा हुआ है, तो उस पर जो है इसके तीसरे वर्ष, सारनाथ के जो है तीसरे वर्ष का जो है, यानी तीन शक संवत का उल्लेख आया हुआ है, ठीक है। इसके बाद जो है इसके अलावा मथुरा की जो एक जगह है मटगांव, मटगांव से भी कुषाण काल की कुछ प्रतिमाएं प्राप्त होती हैं। इनमें से एक प्रतिमा कनिष्क की भी है, तो याद रखिएगा कनिष्क की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त होती है, मथुरा से, ठीक है।
इसके समय में जो है कनिष्क समय में मथुरा तथा वाराणसी कपड़ा के उत्पादन के प्रमुख केंद्र थे। पूछ लेगा कुषाण के समय, कुषाणों के समय उत्तर प्रदेश में या मध्य देश में कपड़ा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र कौन था? मथुरा और वाराणसी। मथुरा में एक उस समय साटक नामक विशेष वस्त्र बनता था, इसका भी याद रखिएगा। साटक नामक विशेष वस्त्र कहाँ पे बनता था? मथुरा। इसका उल्लेख पतंजलि भी करते हैं अपने महाभाष्य में, ठीक है। और कुषाण वंश का एक शासक था हुविस्क। हुविस्क के समय जो पहले कनिष्क के समय सत्ता का जो प्रमुख केंद्र था वो कहाँ था? पुरुषपुर यानी पेशावर, और दूसरी राजधानी मथुरा थी। लेकिन हुविस्क के समय सत्ता का प्रमुख केंद्र पेशावर से हट जाता है और मथुरा आ जाता है। तो प्रश्न यहाँ पे बनता है कि किस कुषाण शासक के समय पेशावर से या पुरुषपुर से सत्ता जो का जो केंद्र था स्थापित विस्थापित होकर मथुरा पहुँचती है? तो याद रखिएगा हुविस्क के समय, ठीक है। अब हम लोग पीछे यहाँ पे पढ़ ही चुके हैं कि उत्तर पश्चिम भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन यवन राजाओं ने करवाया था, लेकिन इन्हें नियमित एवं पूर्ण रूप में प्रचलित करने का श्रेय कुषाण राजाओं को ही दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया हम लोग का विदेशी आक्रमण। अब हम लोग के आज के जो टॉपिक में था यही था, मौर्य काल और मौर्योत्तर काल से संबंधित जो प्रमुख तथ्य थे हम लोगों ने पढ़ लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है गुप्त काल से संबंधित जो उत्तर प्रदेश के प्रमुख तथ्य होंगे उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन भी दबा दें जिससे जो भी वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इसके अलावा अगर आपको कोई समस्या है, कोई डाउट है या कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट भी ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।